न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री ने दो टूक कह दिया कि अगर इसराइल पर हिजबुल्ला के हमले नहीं रुके तो लेबनान की राजधानी बेरूत को भी गाजा बना दिया जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह कि बेरूत में इसराइल की सेना गाजा जैसे हमलों को अंजाम देगी और वहां वैसी ही तबाही मच जाएगी जैसी गाजा में हमास के ठिकानों पर मची है। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने साफ कहा कि हिजबुल्ला चीफ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, उनकी गलती की कीमत हिजबुल्ला और पूरे लेबनान को चुकानी होगी, तनाव बढ़ा तो इसराइल बेरूत को गाजा बना देगा। यानी इसराइल की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को वहां की सेना मिट्टी में मिला देगी, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इतना बारूद बरसाया कि वहां सब कुछ तबाह हो गया और अब लेबनान में बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर भी वैसे ही हमले की धमकी इसराइल के रक्षा मंत्री ने दे दी।